दोस्तों आपने बहुत 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 बार ये सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से, जिम करने से हाइट रुक जाती है, हाइट कम हो जाती है, हाइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद ताबिश इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जिम करने से, एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है क्या, हाइट कम हो जाती है क्या। ये सारी बातें आपने बहुत बार लोगों के मुँह सुनी होंगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट की, हाइट किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट सबसे बड़े फैक्टर, दो ही फैक्टर हैं उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर निकल के आता है, वो है जेनेटिक्स का। अगर जेनेटिक्स, अगर हमारे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी इनकी हाइट अगर अच्छी है तो 99% चांसेस हैं कि हमारी हाइट अच्छी होगी। अगर जेनेटिक्स अच्छी नहीं है हमारी, हमारे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी की हाइट अच्छी नहीं है, तो हमारी हाइट ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब हमारी ग्रोइंग एज थी, जब हमारी एज थी 14, 15 साल, 16 साल, उस टाइम अगर हमारी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसमें कि प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जब बैलेंस डाइट अगर आपने नहीं खाई थी जब हमारी ग्रोइंग एज थी उस टाइम पर, तो हमारी चांसेस तब भी बहुत कम रहते हैं हाइट अच्छी होने के। तो यही दो फैक्टर होते हैं कि हाइट किसी अच्छी होती है, या तो जेनेटिक्स होता है, सबसे बड़ा फैक्टर तो जेनेटिक्स है, ये मान के चलिए आप। दूसरा फैक्टर थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि डाइट, अगर डाइट आपकी अच्छी नहीं होती तब भी हमारी हाइट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने से, जिम करने से हाइट रुकती है या नहीं, या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँ, जितनी भी रिसर्च हुई है हाइट को लेकर और जिम को लेकर, उसमें कहीं भी प्रूफ नहीं है कि जिम करने से और एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है या कम हो जाती है। ये बकवास बातें हैं, किसी बात पर बिलीव मत करो। और सबसे पहले आप जानो कि क्या सच है क्या गलत है, आप चेक करो नेट पे कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हाइट कम हो जाती है या रुक जाती है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, उसमें से मैं आपको दो एक्सरसाइज बताता हूँ। जो हम शोल्डर प्रेस लगाते हैं, शोल्डर की जो एक्सरसाइज होती है, या फिर जो बारबेल प्रेस हम एक्सरसाइज लगाते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज होती हैं उससे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हाइट पर। उसका रीज़न क्या है, जो हमारी स्पाइन होती है वो कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से हाइट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि वो एक्सरसाइज अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो हल्के वेट से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हैवी वेट से करेंगे तो हो सकता है इफ़ेक्ट पड़े आपकी हाइट पे। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये चिंता ना करें कि मेरी हाइट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप फ्रंट डंबल लगा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डंबल प्रेस लगा रहे हैं या बारबेल प्रेस लगा रहे हैं तो वो हल्के वेट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन बताई है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो लाइक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं। इंस्टाग्राम पे हमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, स्काई के हेल्थ नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर जरूर करना दोस्त के साथ वीडियो, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ यार क्या सच है क्या गलत है। अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं है आप, तो गूगल तो आपके पास हो गई, उससे जाके चेक कर लो कि क्या सच है क्या गलत है। तो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।